नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं फिर से हाजिर हूँ क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट मिला। तो दोस्तों, मैंने गिरिडीह जिला चौकीदार भर्ती को लेकर दोस्तों ये सेकेंड वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो अपलोड की थी लगभग 6,000 छात्रों ने देखा और एग्जाम में बैठेंगे 9,000 छात्रों। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों का प्यार मिला। तो चलिए, आज को जो क्लास है दोस्तों देखने वाले, गिरिडीह जिला से संबंधित कुल हम लोग 55 सवाल देखेंगे, जो कि इससे पहले 1 से 30 सवाल देख चुके हैं। और आज की इस अंतिम सेकेंड वीडियो में, यानी अंतिम वीडियो है, 31 से 55 के बीच में जितने गिरिडीह जिला से कवर किए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इंक्लूड है। यानी फर्स्ट जो वीडियो है उससे ज़्यादा वीडियो जो है इंपॉर्टेंट ये होने वाले, क्योंकि इनका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। वहाँ के प्रथम SP, वहाँ का प्रथम DC, वहाँ का वर्तमान SP, DC, वहाँ का टोटल गाँव की संख्या, पंचायतों की संख्या, सारे कुछ हम कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोगों का दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल की स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, जिनका भी पेपर 18 अगस्त को देने जा रहे हैं चौकीदार के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो भी नए अभ्यर्थी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों गिरिडीह जिला का पुलिस साक्षरता दर मैंने करा दिया था, महिला साक्षरता दर भी करा दिया था, ठीक है। फिर से एक बार रिविजन बोलिएगा तो हम करा देंगे। गिरिडीह जिला के दोस्तों कुल जो साक्षरता दर है वो 63% थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन के सामने, गिरिडीह जिला का महिला साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो आप सभी के बीच में हो जाएगा 63%, कितना 63%, और ऑल ओवर भी 63% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप सभी के बीच में, गिरिडीह जिला में कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियाँ का प्रतिशत, यानी वहाँ गिरिडीह जिला का जितना भी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति यानी वहाँ का ST कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 9.74%, ठीक है, 9.74%। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिनका एग्जामिनेशन 18 अगस्त को पूरा क्लास देखना है, क्योंकि गिरिडीह जिला से एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला इस क्लास है, ठीक है। और इससे का पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वो भी देख सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, या आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, या हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं। गिरिडीह जिला में कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, यानी दोस्तों ST कितना था 9.74, वही SC पूछ दिया जाएगा तो कितना अनुसूचित जाति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13%, ठीक है, 13%। ST 9.74%, SC 13%। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गिरिडीह जिला में नगरीय आबादी प्रतिशत है, यानी नगरीय आबादी में कितना दोस्तों प्रतिशत है, तो देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है तो डायरेक्ट आंसर समझिए, यानी कुल जनसंख्या जितना है तो मात्र दोस्तों शहर में जो है वहाँ संख्या जो रह रहे हैं मात्र 8.50% ही जनसंख्या शहर में रहती है, बाकी के जो बचे वो गाँव में निवास करती है, देहात में निवास करती है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए प्रश्न संख्या आप सभी की स्क्रीन पर, तो गिरिडीह जिला में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों जितना था 100 में वहाँ घटा दीजिए, कितना था यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ 8.50, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 91.50। ये यानी अब पूछ रहा है कि पूरा आबादी में कितना प्रतिशत ग्रामीण में रहता है, तो कितना बचेगा घटा दीजिएगा 8.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91.50%, ठीक है। सारे प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बाबूलाल मरांडी और चंद्रमोहन प्रसाद किस जिले से संबंधित है, देखिए बाबूलाल मरांडी दोस्तों नेता प्रतिपक्ष हैं और चंद्रमोहन ये नामी व्यक्ति है, चेहरा है, तो ये किस जिला से संबंधित है, गिरिडीह जिला से, और ये इनका विधानसभा क्षेत्र जो है बाबूलाल मरांडी का धनवर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 दोस्तों, झारखंड धाम मंदिर किस जिले में स्थित है जो शिव मंदिर को समर्पित है, तो झारखंड धाम मंदिर दोस्तों आप लोग पता होगा गिरिडीह जिला से संबंधित है, ठीक है, गिरिडीह जिला। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जामिनेशन 18 अगस्त को गिरिडीह जिला के अभ्यर्थी देने जा रहे हैं, तो समय दोस्तों आप सभी के बीच में 4 दिन है, और आप सभी को मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए कि आपके 50 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो झारखंड डिफेंस जॉब की टीम की ओर से 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है, और गिरिडीह जिले के अभ्यर्थियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, प्यार रहा, क्योंकि अभी तक 150 छात्रों ने, जी हाँ मैं बता दूँ, 150 से 200 छात्रों ने दोस्तों
हमारा इस 10 मोटर प्रैक्टिस सेट को परचेस किया है उनके लिए सभी को धन्यवाद। और जो नहीं लिए हैं, जिनके पास समय है 4 दिन, तो दोस्तों आप लोगों को 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो बहुत कम कॉस्ट पे दी जा रही है। और इनमें जो प्रश्न इंक्लूड रहेंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जी के जिला संबंधित प्रश्न, सामान्य ज्ञान सामान्य गणित के प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। और आपका एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल रहेगा, 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जी हाँ, 11 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ऑफर के समय, ठीक है। और आपको लेना कैसे है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 99 का पेमेंट लग रहा है, ठीक है। और आपको लेना, देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया स्क्रीन पे, आप फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, जिस माध्यम से करना है यही नंबर है, फोन पे गूगल पे। और आप फोन पे गूगल पे के माध्यम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना है और अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँ आप गिरिडीह जिला के अभ्यर्थी है और मैं आपको स्टडी मटेरियल दे पाऊंगा। कितना में आपको लेना है? मात्र 99 में। और जो हमारा बेच परचेस करेगा, जो दोस्तों मैं क्विज करा रहा हूँ, वो भी जी के मिलेंगे 55 जी के साथ ही, जो ये बेच परचेस करेंगे 1000 झारखंड जी के फ्री मिलने वाला है, 1000 झारखंड जी के उसको फ्री में दिया जाएगा, जो हमारा ये 99 का 10 प्रैक्टिस सेट लेगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट लेगा। तो लेने के लिए देखिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए, धार्मिक स्थल पारसनाथ और मधुबन किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है किस धर्म से संबंधित, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जैन धर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर, फटाफट क्विज की ओर कराऊंगा। पारसनाथ अभियान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1981 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या दोस्तों 40, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? बहुत ही VVI सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिला संबंधित प्रश्न है ये, है दोस्तों खंडोली में, ठीक है। खंडोली कहाँ पड़ता है? गिरिडीह जिला के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21, पारसनाथ अभयारण्य में कौन सा जीव स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तेंदुआ भी हो जाएगा, सांभर हो जाएगा, हिरन होगा, नीलगाय होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है दोस्तों? नंदन पहाड़, चूटोनाथ पहाड़, पोड़ाहाट पहाड़, पारसनाथ पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़, 1365 मीटर है, अगर मीटर में पूछ दिया जाएगा, अगर वही फीट में पूछा जाएगा तो 4480 फीट हो जाएगा। आप लोग सारे के सारे प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारा फैक्ट को भी याद रखिएगा। उसरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी फीट है? उसरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी फीट है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है 40 फीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन में, खड़गडीहा का लंकेश्वर बाबा मेला किस जिले में लगता है? खड़गडीहा का लंकेश्वर बाबा मेला किस जिले में लगता है? तो गिरिडीह, ठीक है, ये मेला का नाम याद रखना है, बाकी अपना जिला से आइए, गिरिडीह से आप आइए, निकल मार के निकल जाइए। हरिहर धाम मंदिर किस जिले में है दोस्तों? ये भी हो जाएगा आपका कहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर धाम मेला जो है गिरिडीह में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या आप सभी की स्क्रीन के सामने, प्रमुख आंदोलनकारी बजरंग सहाय पुनीत राय किस जिला से संबंधित है? गिरिडीह। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन में, गुमला जिला में कुल जनसंख्या है लगभग, यानी दोस्तों कुल जनसंख्या लगभग पूछी जा रही है लाख में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख, 20 लाख की आबादी है आपका जिला में, ये तो याद होना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, तो सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है, जो भी अभी तक जिनका एग्जामिनेशन 4 दिन भी शेष है, तो हमारे टीम के द्वारा दोस्तों झारखंड चौकीदार भर्ती यानी जी हाँ गिरिडीह के लिए दोस्तों 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो भी अभ्यर्थी परचेस नहीं किए हैं और जो कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, इतना सारा प्यार दिया, 150 से 200 छात्रों ने दोस्तों अभी तक ले चुका है, मैं काउंट तो किया नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट में, हर एक मॉडल सेट में दोस्तों 50 सवाल रहेंगे, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट में 500 सवाल रहेंगे, और हर एक मॉडल प्रैक्टिस सेट में दोस्तों झारखंड जी के रहेंगे, सामान्य ज्ञान सामान्य गणित के प्रश्न सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। और तो आपको परचेस कैसे करना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है नंबर, प्रैक्टिस सेट लेने के लिए व्हाट्सएप कर, यहाँ पर नंबर दिया गया है, 99 रुपया का पेमेंट लग रहा है, फोन पे गूगल पे व्हाट्सएप नंबर यही है, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेना है और इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा, आपको स्टडी मटेरियल दे दी जाएगी, साथ ही जो बेस्ट परचेस करेंगे उसको 1000 झारखंड जी के पढ़ने के लिए मुफ्त दिया जाएगा, क्योंकि 4 दिन बचे हैं दोस्तों, 1000 झारखंड जी के आराम से चट कर जाइएगा, पढ़ के निकल जाइएगा।
तो उन्हीं को दिया जाएगा जो 99 का प्रैक्टिस सेट लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर। तो चलिए क्विज की ओर हम लोग। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स है, गिरिडीह जिला का वर्तमान उपायुक्त DC कौन है, यानी दोस्तों हिंदी में उपायुक्त और वर्तमान आप लोगों का जो DC है पूरा देख रेख डिस्ट्रिक्ट को करता कौन कर रहा है अभी, वहाँ का DC जो है नमन लकड़ा, ठीक है, नमन लकड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा D, नमन लकड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गिरिडीह जिला में कुल कितने पंचायत है, अगर आप रामगढ़ जिला का पेपर देखे हैं तो वहाँ पूछा गया है रामगढ़ जिले में कुल कितने पंचायत है, एकदम VVI सवाल है, हो सके दोस्तों आपका भी पूछ दे। तो रामगढ़ जिले में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है, 358। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, ठीक है, 10 मॉडल सेट जरूर ले लीजिए, 4 दिन बचा है, आप एक दिन में भी तीन सेट लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। 1000 झारखंड जी के फ्री में भी दिया जाएगा, तो कितना का लग रहा है ऑफर, मात्र 99 में मिल रहा है। तो सीमित समय के लिए दोस्तों जरूर परचेस कर लीजिएगा। वर्तमान में गिरिडीह जिला का पुलिस अधीक्षक यानी SP कौन है वहाँ का, वर्तमान में गिरिडीह जिला का जो पूरा पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का जो देख रेख करती है, ठीक है, तो वहाँ का दोस्तों SP कौन है, तो मैं बता दूँ आप लोगों के बीच में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक कुमार शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा दीपक कुमार शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन के सामने, गिरिडीह जिला को किस जिला से कटकर बना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को भली भांति पता होगा, हजारीबाग से दोस्तों कटकर बना है गिरिडीह जिला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52, गिरिडीह जिला के किस प्रमंडल में स्थित है, गिरिडीह जिला किस प्रमंडल में स्थित है दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा B। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। गिरिडीह जिला में कुल कितने गांव हैं, एकदम VVI सवाल है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि गांव भी पूछा गया था रामगढ़ के पेपर में। गिरिडीह जिला में कुल कितने गांव हैं, तो दोस्तों आप लोग आंसर रटिएगा 2772, यानी 2 पहले आएगा फिर 7 फिर इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए उल्टा, 7 और 2, 2772 राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गिरिडीह जिला कितने प्रखंड बिहार राज्य के साथ से सीमा बनाती है, ऊपर में दोस्तों बिहार राज्य सटा हुआ है तो वहाँ पर कितने प्रखंड सटती है बिहार से, ठीक है, तो VVI सवाल है, 4 जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 4 जिला। तो चलिए आप सभी के बीच में दोस्तों ये आखिरी सवाल है, बाल पहाड़ी बांध किस जिले में स्थित है, बाल पहाड़ी बांध किस जिले में स्थित है, गिरिडीह में, ठीक है। और जो भी हमारा ये पेड़ बेच लेंगे, देखिए उनका आंसर की के साथ PDF फ्री में दिया जाएगा, तो जो भी 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, देखिए नंबर दिया गया, फोन पे, गूगल पे नंबर यही है, 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा बहुत ही कम कॉस्ट पे। तो चलिए जो भी अभ्यर्थियों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।